दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के चुलबुले कुमार की, तो राजेंद्र कुमार का नाम सबसे पहले आता है। इनकी फिल्में 25-25 दिनों तक पर्दे पर लगी रहती थीं और इनकी हर फिल्म को दर्शक बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, आप सब जुबली कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से फेमस राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और ये एक खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन बंटवारे के बाद परिवार के साथ इन्हें दिल्ली आना पड़ा। पैसे की जरूरत थी और कमाने का कोई जरिया नहीं था, तब इन्होंने फिल्मों में आने की सोची। लेकिन ये एक अभिनेता नहीं बल्कि एक निर्माता बनना चाहते थे। बस इन्होंने मन में ठान लिया और मात्र 65 रुपए लेकर मुंबई चले आए। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो ये मशहूर डायरेक्टर HS रवैल को असिस्ट कर रहे थे और इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने जोगन फिल्म के लिए इन्हें साइन कर लिया और जोगन मूवी से राजेंद्र कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए इन्हें 1500 रुपए मिले थे और इनकी पहली फिल्म हिट साबित हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें मदर इंडिया, गीत, जिंदगी और झुक गया आसमां जैसी फिल्में शामिल है। इनकी एक फिल्म 25-25 दिनों तक पर्दे पर लगी रहती थी, जिस वजह से इन्हें जुबली कुमार के नाम से बुलाया जाने लगा। आपको बता दें कि इन्हें 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी सिनेमा को समर्पित कर दिया। लेकिन अगर बात करें जुबली कुमार के बेटे के बारे में, तो इनके बेटे का नाम कुमार गौरव है, जिनका जन्म 11 जुलाई 1960 को लखनऊ में हुआ था। अपने पिता की तरह ये भी एक अभिनेता ही है। बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो इन्होंने लव स्टोरी फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। इस फिल्म ने इन्हें लव बॉय की छवि दे दी, जिसके बाद इनकी तीसरी कसम नाम की फिल्म आई और इस फिल्म से कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के बाद ये जन्म जन्म, नाम और गैंग जैसी फिल्मों में नजर आए, पर पिता की मृत्यु के बाद कुमार गौरव का करियर भी लगभग खत्म ही हो गया। इन्हें फिल्में तो मिली, पर इन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो ये हासिल करना चाहते थे। फिर इन्होंने नम्रता दत्त से शादी कर ली, जो संजय दत्त की बहन है, पर अच्छी फिल्में ना मिलने की वजह से इन्होंने फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया। लेकिन अगर बात की जाए इनके लुक्स की, तो ये लुक्स के मामले में किसी से कम नहीं है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कुमार गौरव की कौन सी फिल्में पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।